दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य दीपक, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले एक वीडियो नवग्रह पे बनाया है, जिसमें मैंने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में बताया है। आज मैं आपको बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह के बारे में बताऊंगा। मित्रों, बृहस्पति ग्रह को हम नेचुरल बेनिफिक कहते हैं। ये एक शुभ ग्रह है और देवताओं के गुरु का दर्जा इसे दिया गया है। बृहस्पति सत्य के ग्रह हैं, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति संतान है, बृहस्पति आप ये समझ लीजिए एक प्रोटेक्टर है, रक्षक है। हमारी कुंडली के जो भी दोष होते हैं, बृहस्पति अगर शुभ हो गए, अच्छी जगह बैठे हैं, तो बहुत से दोषों का स्वयं ही निवारण हो जाता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति सत्यता है, बृहस्पति ईमानदारी है, बृहस्पति सौम्यता है, बृहस्पति गुरु तो है ही है, बृहस्पति पति है, बृहस्पति पुत्र है। तो स्त्रियों की कुंडली में अगर अच्छा बृहस्पति होता है या बृहस्पति की दृष्टि उनके लगन पंचम या सप्तम भाव पे पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है, पति का कल्याण होता है, पति की तरक्की होती है और पुत्र या संतान की प्राप्ति निर्विघ्न हो जाती है। बहुत से व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन धन जमा नहीं होता। अगर बृहस्पति का कोई दोष है तो धन की दिक्कत हो जाएगी, कर्जा हो जाएगा, लोन लेंगे तो वो चुकता नहीं होगा, या पैसा कहीं देंगे तो वो पैसा आपका फंस जाएगा, डूब जाएगा। तो बृहस्पति फाइनेंस है, बृहस्पति बैंकिंग है। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे पावरफुल शुभ ग्रह आप कह सकते हैं नौ ग्रह में। और बृहस्पति इसके अलावा एक अथॉरिटी है, सरकारी नौकरी में ऊंची पदवी पाने के लिए, अथॉरिटी वाली पोजीशन पाने के लिए बृहस्पति का शुभ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बृहस्पति खराब हो गया, राहु केतु में आ गया, या इस पे पाप ग्रह शनि मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ये किडनी लीवर से संबंधित रोग दे देता है और पथरी के रोग भी कई बार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं या खराब हैं, उनको जो मैंने अभी फल बताए हैं, उस तरीके के फल प्राप्त होने की संभावना रहती है। अब बृहस्पति के उपाय क्या हैं? अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब है तो धर्म के काम करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, मंदिर में जाके सेवा करें, मंदिर के कल्याण के लिए कुछ दान दक्षिणा दें, भंडारों में दान दें, और किसी भी शुभ अवसर पर जैसे जन्मदिन होता है या घर में और शुभ अवसर हो, गृह प्रवेश हो, पांच ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पूजा पाठ में हमेशा ध्यान रहना चाहिए और विष्णु जी की पूजा रेगुलर करनी चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसका बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है, या अगर जन्म कुंडली निर्धारित करती है तो पुखराज रतन सोने की अंगूठी में दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पहली उंगली में जो अंगूठे के पास वाली है उसमें शुभ बृहस्पतिवार को धारण करना चाहिए। बृहस्पति के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका अगर हम नियमित जाप करें तो हमें लाभ होगा, बृहस्पति के दोष दूर होंगे। एक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, फिर सुन लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। जो लोग इस मंत्र को नहीं कर सकते वो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, अगर इन दोनों मंत्रों में भी कठिनाई है तो एक साधारण सा मंत्र है, सिंपल मंत्र ओम गुरुवे नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार शुभ बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके लगातार जप करें। तो नियमित कोई भी धर्म का काम, कोई भी जप, पूजा, दान या सेवा अगर आप नियमित करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपको लगातार लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं।
अब अगर जातक ये सोचे कि मैं एक दिन मंत्र कर लूं या एक दिन मैं धर्म का काम कर लूं तो मुझे तुरंत उसका रिटर्न मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी धर्म के काम में, किसी भी सेवा में, पूजा में, जाप में, अनुष्ठान में आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए और आप उस कर्म को अपनी एक आदत बना लीजिए, रूटीन में ले आइए, नियमित करिए, तो आपको अवश्य अच्छे फल भी प्राप्त होंगे और आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब मित्रों, दूसरा ग्रह शुक्र के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। कलयुग में शुक्र का बहुत महत्व है। शुक्र वास्तव में दैत्यों के गुरु थे और बृहस्पति देवता से इनकी नहीं बनती थी, पर कलयुग में शुक्र का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमें आजकल जो भी चीज़ें चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, वो शुक्र से ही हमें मिलते हैं। गाड़ी, बंगला, ऐश आराम, ब्रांडेड क्लोथ्स और अच्छा बड़ा बगीचे वाला मकान, इसके अलावा शान और शौकत की चीज़ें, अच्छे बड़े बड़े होटलों में रहना, ठहरना, खाना, घूमना, फिरना, सिनेमा और महंगी डेकोरेशन की चीज़ें, सुगंधित पदार्थ या वैवाहिक सुख, तो ये सारे ही शुक्र ग्रह से प्रतिबंधित हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा होगा तो वो इंसान, उस पे लक्ष्मी की कृपा हमेशा होगी, कभी भी पैसे की उसे दिक्कत नहीं आएगी और बाई नेचर प्रकृति से ही वो इंसान भौतिक सुखों का भोग करने वाला या विलास का भोग करने वाला होगा। जन्म कुंडली में अगर शुक्र खराब हो जाता है, शनि मंगल के प्रभाव में आ जाता है, राहु के प्रभाव में आ जाता है, तो डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। या शुक्र क्या है? नेत्रों की ज्योति है। तो अगर शुक्र खराब हो गया, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो उस व्यक्ति को नेत्र के रोग हो जाते हैं। मंगल के प्रभाव में आ गया तो कई बार नेत्र के ऑपरेशन कम उम्र में ही हो जाते हैं। शुक्र के बुरे प्रभाव के निदान के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिरों में पूजा अर्चना कीजिए या देवी के जितने भी सिद्ध मंदिर हैं वहाँ जब भी समय मिले, मौका मिले, अवश्य दर्शन कीजिए। और शुक्रवार के दिन किसी गरीब स्त्री को आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शुक्र का रत्न डायमंड है, ओपल है। अगर जन्म कुंडली आपको निर्धारित करती है, अलाउ करती है, तो इन रत्नों का किसी भी ज्ञानी पंडित ज्योतिष से पूछ के आप इन नगों को धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, शुक्र के उपाय से आपको भौतिक सुख, लक्ष्मी की प्राप्ति और एक विलासपूर्ण जीवन की प्राप्ति होगी, जिसकी कलयुग में बहुत अधिक लोग अपेक्षा रखते हैं। अब मित्रों, तीसरे ग्रह पे आ जाइए। आज की चर्चा में हम शनि ग्रह का भी समायोजन करते हैं। शनि, जैसा आप जानते हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय के ग्रह हैं, लिम्स को प्रवाहित करते हैं। इनका रंग काला होता है, वर्ण काला होता है, और शनि हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो भी हमने जीवन में बुरे कर्म किए, वो शनि की महादशा या शनि की साढ़े साथी में शनि भगवान हमें उसके अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, शनि की महादशा या साढ़े साती में हमारा स्थानांतरण हो सकता है, किसी रोग के शिकार हो सकते हैं, किसी लीगल केस के शिकार हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट रोग हो सकता है, कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है जो इलाज में समय ले, और लिम्स की प्रॉब्लम आ सकती है, हाथ पैरों में कोई कष्ट आ सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में
दर्द हो सकता है या बिजनेस में हानि हो सकती है। अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है तो बिजनेस में हानि हो जाएगी, धन का नुकसान हो जाएगा, फैक्ट्री मालिक हैं उनकी फैक्ट्रियों में किसी तरीके की समस्याएं आ जाएंगी। कई बार हम देखते हैं लेबर की स्ट्राइक हो गई या फैक्ट्री में कोई समस्या आ गई, धन का नुकसान होने लगा, लोग फैक्ट्री से जाने लगे, तो ये अक्सर इन स्थितियों की वजह से होता है जो मैंने बताई है। शनि के कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि हमें इन बुरी परिस्थितियों से निकाल सकते हैं या बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक तो शनि मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम नीलाम जनम समाभासम सूर्यपुत्रम यमागजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चराय, इन मंत्रों का आप रुद्राक्ष की माला पे जाप कीजिए, शनि मंदिर या शिव मंदिर में बैठ के जाप कीजिए, पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया जलाइए, गरीब लूले लंगड़े अपाहिजों को काली वस्तुएं, काले कंबल या काले वस्त्र, काली उड़द की दाल, कोयला, इन वस्तुओं का आप दान करके लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम बाकी तीन ग्रह राहु, केतु और बुध की चर्चा करेंगे।